जो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जो लोग जाति और धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं, जो लोग भारत से जातिवाद और छुआछूत को मुक्त करना नहीं चाहते, जो लोग चाहते समाज ऐसी बटा रहे, जो लोग धर्म के नाम पर जाति के नाम पर लोगों को डराते हैं, सच्चे मायने में वो देशद्रोही हैं। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो कहते हैं कि धर्म के ऊपर केवल उन्हीं का अधिकार है। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग मंदिर क्यों जाते हैं। अरे आम आदमी पार्टी के लोग मंदिर जाएंगे, जिनकी जहां आस्था वो जाएगा। मैं बौद्ध हूं, मैं बौद्ध धर्म में मेरी आस्था है तो मैं बौद्ध धर्म में जाऊंगा, मेरी मर्जी है। कोई जबरदस्ती थोड़ा मेरे से मनवाएगा कि मुझे क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए। उसमें जो बात कही जा रही है, जो शपथ है कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, गणेश की पूजा नहीं करेंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, इसे लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए, जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब से हर साल वो दीक्षा का आयोजन पूरे दुनिया के अंदर मनाया जाता है, भारत के हजारों जगह पर मनाया जाता है। लोग 22 प्रतिज्ञा लेते हैं जो बाबा साहब ने दिलवाई थी, उसमें किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए। कह रहे हैं कि ये बातें बाबा साहब ने कही थी। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई, इसको पढ़ लीजिए, उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। बीजेपी तो कट पेस्ट करती है, छोटा काट के अपने फायदे की चीज चलाएगी, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी जो काम करना चाहे करे, लेकिन बीजेपी अपना मत स्पष्ट करे। बीजेपी जातिवाद मुक्त छुआछूत मुक्त भारत बनाना चाहती है नहीं। क्या अभी भी भारत में मूंछ रखने पर हत्या होती रहेंगी? क्या अभी भी घड़ा छूने पर हत्या होती रहेगी? क्या अभी भी घोड़ी पर बारात निकालने पर हमला होगा? लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मोहन भागवत जी का धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा कि परसों उन्होंने स्वयं हमारे इस दुख को अपने वक्तव्य में शामिल किया। जो हमारा हजारों साल का दर्द है, जो जातिगत उत्पीड़न हजारों साल से झेलते आए, उसको उन्होंने अपने वक्तव्य में शामिल किया। उन्होंने कहा कि सबके शमशान मंदिर जलाशय एक होने चाहिए। मैं और उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। तो बीजेपी तो है ना, बीजेपी देशद्रोही है, बीजेपी देशद्रोही है। आम आदमी पार्टी का कोई नेता मंदिर क्यों नहीं जाए? अभी उनकी आस्था है, वो जाएंगे, इसमें बीजेपी को आपत्ति क्यों है? लेकिन आप उस मंच पे हैं जहां पे कहा जा रहा है कि भाई मेरी आस्था बुद्ध धर्म के प्रति, इसमें किसी को आपत्ति क्यों है? मुस्लिम को मुस्लिम धर्म के प्रति आस्था है, जैन को जैन के प्रति आस्था है, हिंदू को हिंदू के प्रति आस्था है, ईसाई को ईसाई के प्रति आस्था है। अगर मुझे बौद्ध धर्म के प्रति आस्था है, इसमें किसी को आपत्ति क्यों है?